दोस्तों आपने 2020 के 29 अप्रैल के 99QR2 के बारे में तो सुना ही होगा, जो ये एक एस्टेरॉयड के बारे में बताया जा रहा है कि ये दुनिया से टकरा सकता है, टकराने वाला है, टकरा सकता नहीं, टकराने वाला है। और आपने ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अपने फ्रेंड्स या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर देखा होगा कि ये बात अफवाह में काफ़ी उछल रही है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका पूरा सच क्या है और ये कब बिल्कुल पता चल चुका था कि ये ऐसा हो सकता है। तो यार ये नासा वालों ने इसे 1996 में इसकी देखी थी कि ये इसका नाम रखा गया था 1998 QR2। ये दुनिया से होते हुए जाने वाला है, बिल्कुल सेफ जोन से निकल जाएगा, मतलब बिल्कुल राइट से कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब ये पृथ्वी से नहीं टकराएगा। पर 4.6 मिलियन ट्वीट्स इस बारे में है कि ये टकरा भी सकता है। अब इसी के बारे में नासा ने और रिसर्च करी और 3 महीने तक लगातार वो लोग रिसर्च करते ही रहे, और आखिरकार उन्हें पता चला कि ये 4.6 मिलियन माइल जितना बड़ा है और ये 7.5 मिलियन किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। लेकिन इसमें उन्होंने फिर भी यही कहा कि ये घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफली और बिना हार्मलेस अर्थ को दिए चला जाएगा। तो यार देखो इस एस्टेरॉयड यानी कि 1998 QR2 को हर एंगल से देखा गया, मतलब इसको देखने के लिए जो स्कोप है उस स्कोप का नाम है द वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। इस स्कोप के प्रोजेक्ट का नाम ये रखा गया है द वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। ये एक रिमोट है, मतलब जैसे जिस दिन वो गुजर रहा होगा, यानी कि 29 अप्रैल गुजरेगा तो ये पक्का ही, लेकिन ये जिस दिन गुजर रहा होगा उस दिन ये इसका जो ये स्कोप है द वर्चुअल टेलीस्कोप ये इसका थर्मामीटर बता देगा कि कितने माइल से आ रहा है और कितनी दूरी से जाने वाला है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये अफवाहें, ये सारे र्यूमर्स हैं कि ये पास हो सकता है और ये वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये सब बेकार की बातें हैं। आप ये सब छोड़ो, अभी आप कोरोना वायरस को देखो, लॉकडाउन में अपने आप को सुरक्षित रखो, अपने घर वालों को सुरक्षित रखो, अपने देश को सुरक्षित रखो। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया है तो कर लो, और सबसे ज़रूरी बात बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना ताकि आप अपडेट बिल्कुल मिस ना कर पाए। तो बस दोस्तों आज की मिस्ट्री यही थी।